जिहाद फी सबीलिल्लाह। ये एक तकरीर है जो 13 अप्रैल 1939 को यौम इकबाल के मौके पर टाउन हॉल लाहौर में की गई थी। उमूमन लफ्ज़ जिहाद का तर्जमा अंग्रेजी जबान में होली वॉर, मुकद्दस जंग किया जाता है, और इसकी तशरीह व तफसीर मुद्दत हाय दराज से कुछ इस अंदाज में की जाती रही कि अब ये लफ्ज़ जोश जुनून का हम माने होकर रह गया है। इसको सुनते ही आदमी की आंखों में कुछ इस तरह का नक्शा फिरने लगता है कि मजहबी दीवानों का एक गिरोह नंगी तलवारें हाथ में लिए, दाढ़ियां चढ़ाए, खूनखार आंखों के साथ अल्लाह अकबर के नारे लगाता हुआ चला आ रहा है। जहां किसी काफिर को देख पाता है, पकड़ लेता है और तलवार उसकी गर्दन पर रखकर कहता है कि बोल ला इलाहा इल्लल्लाह, वरना अभी सर तन से जुदा कर दिया जाता है। माहिरीन ने हमारी ये तस्वीर बड़ी कलमकारियों के साथ बनाई है और उसके नीचे मोटे हरूफ में लिख दिया है कि बुए खून आती है इस कौम के अफसानों से। लुत्फ ये है कि इस तस्वीर के बनाने वाले हमारे वो मेहरबान हैं जो खुद कई सदियों से इंतहा दर्जे की गैर मुकद्दस जंग अनहोली वॉर में मशगूल है। इनकी अपनी तस्वीर ये है कि दौलत और इख्तदार के भूखे हर किस्म के असलहे से मुसल्ला होकर कज़ाकों की तरह सारी दुनिया पर पल पड़े हैं और हर तरफ से तिजारत की मंडियां, खाम पैदावार के जखीरे, नौ आबादियां बसाने की काबिल जमीनें और मादनियात की कानें ढूंढते फिरते हैं ताकि अपनी हिर्स की कभी ना बुझने वाली आग के लिए ईंधन फराहम करें। इनकी जंग खुदा की राह में नहीं बल्कि पेट की राह में है, हवस और नफ्स अम्मारा की राह में है। इनके नज़दीक किसी कौम पर हमला करने के लिए बस ये काफी वजह जवाज है कि उसकी जमीन में काने हैं, या अजनास काफी पैदा होती है, या वहां तेल निकल आया है, या इनके कारखानों का माल वहां अच्छी तरह खपाया जा सकता है, या अपनी जायद आबादी को वहां आसानी के साथ बसाया जा सकता है, कुछ और नहीं तो इस कौम का ये गुनाह भी कोई मामूली गुनाह नहीं है कि वो किसी ऐसे मुल्क के रास्ते में रहती है जिस पर ये पहले कब्जा कर चुके हैं या अब कब्जा करना चाहते हैं। हमने तो जो कुछ किया वो जमाने माजी का किस्सा है और इनके कारनामे हाल के वाकयात हैं जो शब और रोज दुनिया की आंखों के सामने गुजर रहे हैं। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमरीका, गरज कुर्रे जमीन का कौन सा हिस्सा बचा रह गया है जो इनकी इस गैर मुकद्दस जंग से लालाजार नहीं हो चुका। मगर इनकी महारत काबिल दाद है। उन्होंने हमारी तस्वीर इतनी भयानक और इतनी बुरी बनाई कि खुद उनकी तस्वीर उसके पीछे छुप गई। और हमारी सादा लोही भी काबिल दाद है। जब हमने गैरों की बनाई हुई अपनी ये तस्वीर देखी तो ऐसे दहशत ज़दा हुए कि हमें इस तस्वीर के पीछे झांक कर खुद मुसव्विरों की सूरत देखने का होश ही ना आया और लगे माजरत करने कि हुजूर, भला हम जंगों के ताल क्या जाने, हम तो भक्षुओं और पादरियों की तरह पुरअमन मुबल्लिग लोग हैं। चंद मजहबी अकायद की तरदीद करना और इनकी जगह कुछ दूसरे अकायद लोगों से तस्लीम करा लेना, बस ये हमारा काम है, हमें तलवार से क्या वास्ता। अलबत्ता इतना कसूर कभी कभार हमसे जरूर हुआ है कि जब कोई हमें मारने आया तो हमने भी जवाब में हाथ उठाया। सो अब तो हम इससे भी तौबा कर चुके हैं। हुजूर की तमानीनत के लिए तलवार वाले जिहाद को सरकारी तौर पर मनसूख कर दिया है। अब तो जिहाद फकत जबान व कलम की कोशिश का नाम है। तो पर बंदूक चलाना सरकार का काम है और जबान व कलम चलाना हमारा काम। जिहाद के मुतालिक गलत फहमी के असबाब, खैर ये तो सियासी चालों की बात है, मगर खालिस इल्मी हैसियत से हम इन असबाब का तजिया करते हैं जिनकी वजह से जिहाद फी सबीलिल्लाह की हकीकत को समझना गैर मुस्लिमों ही के लिए नहीं बल्कि मुसलमानों के लिए भी दुश्वार हो गया है। तो हमें दो बड़ी और बुनियादी गलत फहमियों का सुराग मिलता है। पहली गलत फहमी ये है कि इस्लाम को इन मानों में एक मजहब समझ लिया गया है जिनमें यह लफ्ज़ उमूमन बोला जाता है। दूसरी गलत फहमी ये है कि मुसलमानों को इन मानों में महज एक कौम समझ लिया गया है जिनमें यह लफ्ज़ उमूमन मुस्तामिल है। इन दो गलत फहमियों ने सिर्फ एक जिहाद ही के मसले को नहीं बल्कि मजमूई हैसियत से पूरे इस्लाम के नक्शे को बदल डाला है और मुसलमानों की पोजिशन कुल्ली तौर पर गलत करके रख दी है। मजहब के माना आम इस्तलाह के एतबार से वजूस इसके और क्या है कि वो चंद अकायद और इबादात और मरासिम का मजमुआ होता है। इस माना के लिहाज से मजहब को वाकई एक प्राइवेट मामला ही होना चाहिए।
आपको इख्तियार है कि जो अकीदा चाहे रखें और आपका ज़मीर जिसकी इबादत करने पर राजी हो इसको जिस तरह चाहें पुकारें। ज्यादा से ज्यादा अगर कोई जोश और सरगर्मी आपके अंदर इस मजहब के लिए मौजूद है तो आप दुनिया भर में अपने अकायद की तबलीग करते फिरिए और दूसरे अकायद वालों से मुनाजरे कीजिए। इसके लिए तलवार हाथ में पकड़ने का कौन सा मौका है? क्या आप लोगों को मार मार कर अपना अकीदा बनाना चाहते हैं? ये सवाल लाजमी तौर पर पैदा होता है जबकि आप इस्लाम को आम इस्तिलाह की रूह से एक मजहब करार दे लें। और ये पोजीशन अगर वाकई इस्लाम की हो तो जिहाद के लिए हकीकत में कोई वजह जवाज साबित नहीं की जा सकती। इसी तरह कौम के माने इसकी सिवा क्या है कि वो एक मुतजानिस ग्रोह अशखास होमोजीनियस ग्रुप ऑफ मेन का नाम है जो चंद बुनियादी उमूर में मुश्तरक होने की वजह से बाहम मुश्तमा और दूसरे ग्रोहों से मुमताज हो गया हो। इस माने में जो ग्रोह एक कौम हो वो दो ही वजूह से तलवार उठाता है और उठा सकता है, या तो इसके जायज हकूक छीनने के लिए कोई इस पर हमला करे या वो खुद दूसरों के जायज हकूक छीनने के लिए हमलावर हो। पहली सूरत में तो खैर तलवार उठाने के लिए कुछ न कुछ अखलाकी जवाज भी मौजूद है, अगरचे बाज धर्म आत्माओं के नजदीक ये भी नाजायज है, लेकिन दूसरी सूरत को बाज डिक्टेटरों के सिवा कोई भी जायज करार नहीं दे सकता। हत्ता के बर्तानिया और फ्रांस जैसी वसी सल्तनतों के मुदब्बिरीन भी आज इसको जायज कहने की जुर्रत नहीं रखते। जिहाद की हकीकत, बस अगर इस्लाम एक मजहब और मुसलमान एक कौम है तो जिहाद की सारी मानवीयत जिसकी बिना पर इस्लाम में उसे अफजलुल इबादात कहा गया है सिरे से खत्म हो जाती है। लेकिन हकीकत यह है कि इस्लाम किसी मजहब का और मुसलमान किसी कौम का नाम नहीं है। दरअसल इस्लाम एक इनकलाबी नजरिया और मसलक है जो तमाम दुनिया के इज्तमाई नज्म सेंक्शन को बदल कर अपने नजरिया और मसलक के मुताबिक उसे तामीर करना चाहता है, और मुसलमान इस बैनुल अक्वामी इनकलाबी जमात इंटरनेशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी का नाम है जिसे इस्लाम अपने मतलूबा इनकलाबी प्रोग्राम को अमल में लाने के लिए मुनज्जम करता है, और जिहाद इस इनकलाबी जद्दोजहद रेवोल्यूशनरी स्ट्रगल का और इंतहाई सरफे ताकत का नाम है जो इस मकसद को हासिल करने के लिए इस्लामी जमात अमल में लाती है। तमाम इनकलाबी मसलकों की तरह इस्लाम में आम मुरव्वज अल्फाज को छोड़कर अपनी एक खास इस्तिलाही जबान टर्मिनोलॉजी इख्तियार करता है ताकि इसके इनकलाबी तस्वुरात आम तस्वुरात से मुमताज हो सके। लफ्ज जिहाद भी इसी मखसूस इस्तिलाही जबान से ताल्लुक रखता है। इस्लाम ने हर्ब और इसी नौइयत के दूसरे अल्फाज जो जंग वार के मफहूम को अदा करते हैं कसदन तर्क कर दिए हैं और इनकी जगह जिहाद का लफ्ज इस्तेमाल किया जो स्ट्रगल का हम माना है मगर इससे ज्यादा मुबालगा रखता है। अंग्रेजी में इसका सही मफहूम यूं अदा किया जा सकता है, अपनी तमाम ताकतें किसी मकसद की तहसील में सर्फ कर देना। सवाल यह है कि पुराने अल्फाज को छोड़कर यह नया लफ्ज क्यों इख्तियार किया गया? इसका जवाब बजुस इसके और कुछ नहीं कि जंग का लफ्ज कौमों और सल्तनतों की उन लड़ाइयों के लिए इस्तेमाल होता था और आज तक हो रहा है जो अशखास या जमातों की नफसानी अगराज के लिए लड़ी जाती है। इन लड़ाइयों के महर्रिक महज ऐसे शख्सी या इज्तमाई मकासिद होते हैं जिनके अंदर किसी नजरिए और किसी उसूल की हिमायत का शायबा तक नहीं होता। इस्लाम की लड़ाई चूंकि इस नौइयत की नहीं है इसलिए वो सिरे से इस लफ्ज ही को तर्क कर देता है। इसके पेश नजर एक कौम का मफाद दूसरी कौम का नुकसान नहीं है, वो इससे कोई दिलचस्पी नहीं रखता कि जमीन पर एक सल्तनत का कब्जा रहे या दूसरी सल्तनत का। इसकी दिलचस्पी जिससे है वो इंसानियत की फलाह है। इस फलाह के लिए वो अपना एक खास नजरिया और एक अमली मसलक रखता है। इस नजरिए और मसलक के खिलाफ जहां जिसकी हुकूमत भी है इस्लाम उसे मिटाना चाहता है, कतअ नजर इससे कि वो कोई कौम हो और कोई मुल्क हो। इसका मुद्दा और अपने नजरिए और मसलक की हुकूमत कायम करना है बिला लिहाज इसके कि कौन इसका झंडा लेकर उठता है और किसकी हुक्मरानी पर उसकी जरब पड़ती है। वो जमीन मांगता है, जमीन का एक हिस्सा नहीं बल्कि पूरा कुर्रे जमीन, इसलिए नहीं कि एक कौम या बहुत सी कौमों के हाथ से निकलकर जमीन की हुकूमत किसी खास कौम के हाथ में आ जाए, बल्कि सिर्फ इसलिए कि इंसानियत की फलाह का जो नजरिया और प्रोग्राम उसके पास है
یا بالفاظ صحیح تر یوں کہیے کہ فلاح انسانیت کے جس پروگرام کا نام اسلام ہے، اس سے تمام نوع انسانی متمتع ہو۔ اس غرض کے لیے وہ ان تمام طاقتوں سے کام لینا چاہتا ہے جو انقلاب برپا کرنے کے لیے کارگر ہو سکتی ہیں، اور ان سب طاقتوں کے استعمال کا ایک جامع نام جہاد رکھتا ہے۔ زبان و قلم کے زور سے لوگوں کے نقطہ نظر کو بدلنا اور ان کے اندر ذہنی انقلاب پیدا کرنا بھی جہاد ہے۔ تلوار کے زور سے پرانے ظالمانہ نظام زندگی کو بدل دینا اور نیا عادلانہ نظام مرتب کرنا بھی جہاد ہے، اور اسی راہ میں مال صرف کرنا اور جسم سے دوڑ دھوپ کرنا بھی جہاد ہے فی سبیل اللہ کے لازمی قید۔ لیکن اسلام کا جہاد نرا جہاد نہیں ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ فی سبیل اللہ کی قید اس کے ساتھ ایک لازمی قید ہے۔ یہ لفظ بھی اسلام کے اسی مخصوص اصطلاحی زبان سے تعلق رکھتا ہے جس طرف ابھی میں اشارہ کر چکا ہوں۔ اس کا لفظی ترجمہ ہے راہ خدا میں۔ اس ترجمے سے لوگ غلط فہمی میں پڑ گئے اور یہ سمجھ بیٹھے کہ زبردستی لوگوں کو اسلام کے مذہبی عقائد کا پیرو بنانا جہاد فی سبیل اللہ ہے، کیونکہ لوگوں کے تنگ دماغوں میں راہ خدا کا کوئی مفہوم اس کے سوا نہیں سما سکتا۔ مگر اسلام کی زبان میں اس کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ ہر وہ کام جو اجتماعی فلاح و بہبود کے لیے کیا جائے اور جس کے کرنے والے کا مقصد اس سے خود کوئی دنیاوی فائدہ نہ اٹھانا ہو بلکہ محض خدا کی خوشنودی حاصل کرنا ہو، اسلام ایسے کام کو فی سبیل اللہ قرار دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ خیرات دیتے ہیں تو اس نیت سے کہ اسی دنیا میں مادی یا اخلاقی طور پر اس خیرات کا کوئی فائدہ آپ کی طرف پلٹ کے آئے تو یہ فی سبیل اللہ نہیں ہے، اور اگر خیرات سے آپ کی نیت یہ ہے کہ غریب انسان کی مدد کر کے آپ خدا کی خوشنودی حاصل کریں تو یہ فی سبیل اللہ ہے۔ بس یہ اصطلاح مخصوص ہے ایسے کاموں کے لیے جو کامل خلوص کے ساتھ ہر قسم کی نفسانی اغراض سے پاک ہو کر اس نظریے پر کیے جائیں کہ انسان کا دوسرے انسانوں کی فلاح کے لیے کام کرنا خدا کی خوشنودی کا موجب ہے، اور انسان کی زندگی کا نصب العین مالک کائنات کی خوشنودی حاصل کرنے کے سوا کچھ نہیں۔ جہاد کے لیے بھی فی سبیل اللہ کی قید اسی غرض کے لیے لگائی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص یا گروہ جب نظام زندگی میں انقلاب برپا کرنے اور اسلامی نظریے کے مطابق نیا نظام مرتب کرنے کے لیے اٹھے تو اس قیام اور سربازی و جانساری میں اس کو اپنی کوئی نفسانی غرض نہ ہو۔ اس کا یہ مقصد ہرگز نہ ہو کہ قیصر کو ہٹا کر وہ خود قیصر بن جائے، اپنی ذات کے لیے مال و دولت یا شہرت و ناموری یا عزت و جاہ حاصل کرنے کا شائبہ تک اس کی جد و جہد کے مقاصد میں شامل نہ ہو۔ اس کی تمام قربانیوں اور ساری محنتوں کا مدعا صرف یہ ہو کہ بندگان خدا کے درمیان ایک عادلانہ نظام زندگی قائم کیا جائے، اس کے معاوضے میں اسے خدا کی خوشنودی کے سوا کچھ بھی مطلوب نہ ہو۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ خدا کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ طاغوت کا مصدر طغیان ہے جس کے معنی حد سے گزر جانے کے ہیں۔ دریا جب اپنی حد سے گزر جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ طغیانی آ گئی ہے۔ اسی طرح جب آدمی اپنی جائز حد سے گزر کر اس غرض کے لیے اپنی طاقت استعمال کرتا ہے کہ انسانوں کا خدا بن جائے یا اپنے مناسب حصے سے زائد فوائد حاصل کر لے تو یہ طاغوت کی راہ میں لڑنا ہے، اور اس کے مقابلے میں راہ خدا کی جنگ وہ ہے جس کا مقصد صرف یہ ہو کہ خدا کا قانون عدل دنیا میں قائم ہو، لڑنے والا خود بھی اس کی پابندی کرے اور دوسروں سے بھی اس کی پابندی کرائے۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ آخرت میں عزت کا مقام تو ہم نے صرف ان لوگوں کے لیے رکھا ہے جو زمین میں اپنی بڑائی قائم کرنا اور فساد کرنا نہیں چاہتے۔ عاقبت کی کامیابی صرف خدا ترس لوگوں کے لیے ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا راہ خدا کی جنگ سے کیا مراد ہے؟ ایک شخص مال کے لیے جنگ کرتا ہے، دوسرا شخص بہادری کی شہرت حاصل کرنے کے لیے جنگ کرتا ہے، تیسرے شخص کو کسی سے عداوت ہوتی ہے یا قومی حمیت کا جوش ہوتا ہے اس لیے جنگ کرتا ہے، ان میں سے کس کی جنگ فی سبیل اللہ ہے؟
आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, किसी की भी नहीं। फी सबीलिल्लाह तो सिर्फ उस शख्स की जंग है जो खुदा का बोलबाला करने के सिवा कोई मकसद नहीं रखता। एक दूसरी हदीस में है कि अगर किसी शख्स ने जंग की और उसके दिल में ऊंट बांधने की एक रस्सी हासिल करने की भी नीयत हो तो उसका अजर जाया हो गया। अल्लाह सिर्फ उस अमल को कबूल करता है जो महज उसकी खुशनूदी के लिए हो और कोई शख्सी या जमाती गरज पेश नजर ना हो। बस जिहाद के लिए फी सबील की कैद इस्लामी नुक्ते नजर से खास अहमियत रखती है। मुजर्रद जिहाद तो दुनिया में सभी जानदार करते हैं, हर एक अपने मकसद की तहसील के लिए पूरा जोर सर्फ कर रहा है, लेकिन मुसलमान जिस इनकलाबी जमात का नाम है, इसके इनकलाबी नजरियात में से एक अहम तरीन नजरिया बल्कि बुनियादी नजरिया यह है कि अपनी जानो माल खपाओ, दुनिया की सारी सरकश ताकतों से लड़ो, अपने जिस्म और रूह की सारी ताकतें खर्च कर दो, न इसलिए कि दूसरे सरकशों को हटाकर तुम उनकी जगह ले लो, बल्कि सिर्फ इसलिए कि दुनिया से सरकशी और तुगयान मिट जाए और खुदा का कानून दुनिया में नाफिज हो। जिहाद के इस मफहूम और फी सबीलिल्लाह की इस मानवियत को मुख्तसर बयान कर देने के बाद मैं इस दावत इनकलाब की थोड़ी सी तशरीह करना चाहता हूँ जो इस्लाम लेकर आया है, ताकि आसानी के साथ ये समझा जा सके कि इस दावत के लिए जिहाद की हाजत क्या है और इसकी गायत ऑब्जेक्टिव क्या है। इस्लाम की दावत इनकलाब। इस्लाम की दावत इनकलाब का खुलासा यह है, या अय्युहन्नास उबुदू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम। लोगो, सिर्फ अपने रब की बंदगी करो जिसने तुम्हें पैदा किया है। इस्लाम मजदूरों या जमींदारों या काश्तकारों या कारखानादारों को नहीं पुकारता, बल्कि तमाम इंसानों को पुकारता है। इसका खिताब इंसान से बहसियत इंसान है और वो कहता है कि अगर तुम खुदा के सिवा किसी की बंदगी इताअत और फरमाबरदारी करते हो तो उसे छोड़ दो। अगर खुद तुम्हारे अंदर खुदाई का दाइया है तो उसे भी दिमाग से निकाल दो, क्योंकि दूसरों से अपनी बंदगी कराने और दूसरों का सर अपने आगे झुकवाने का हक भी तुम में से किसी को हासिल नहीं है। तुम सबको एक खुदा की बंदगी कबूल करनी चाहिए और इस बंदगी में सबको एक सतह पर आ जाना चाहिए। تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله। आओ हम और तुम एक ऐसी बात पर जमा हो जाए जो हमारे और तुम्हारे दरमियान यकसा है, वो ये कि हम खुदा के सिवा किसी की बंदगी न करें और खुदाबंदी में किसी को खुदा का शरीक भी न ठहराएं और हम में से कोई किसी को खुदा के बजाय अमरो नहीं का मालिक भी न बनाए। ये आलमगीर और कुल्ली इनकलाब की दावत थी। इसने पुकार कर कहा कि इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, हुकूमत सिवाय खुदा के और किसी की नहीं है। किसी को ये हक नहीं पहुंचता कि बजाते खुद इंसान का हुक्मरान बन जाए और अपने इख्तियार से जिस चीज का चाहे हुक्म दे और जिस चीज से चाहे रोक दे। किसी इंसान को बिज़ात अमरो नहीं का मालिक समझना दरअसल खुदाई में उसे शरीक करना है और दुनिया में यही असल बिनाए फसाद है। अल्लाह ने इंसान को जिस सही फितरत पर पैदा किया है और जिंदगी बसर करने का जो सीधा रास्ता उसे बताया है, इससे इंसान के हटने की वजह सिर्फ ये है कि लोग खुदा को भूल जाते हैं और नतीजतन खुद अपनी हकीकत को भी फरामोश कर देते हैं। इसका अंजाम फिर लाजमी तौर पर यही होता है कि एक तरफ बाज़ अशखास या खानदान या तबके खुदाई का खुला या छुपा दाइया लेकर उठते हैं और अपनी ताकत से नाजायज फायदा उठाकर लोगों को अपना बंदा बना लेते हैं, और दूसरी तरफ इस खुदा फरामोशी और खुद फरामोशी का नतीजा ये भी होता है कि लोगों का एक हिस्सा ताकतवरों की खुदाबंदी मान लेता है और इसके इस हक को तस्लीम कर लेता है कि वो हुक्म करें और ये हुक्म के आगे सर झुका दें। यही दुनिया में जुल्म फसाद और नाजायज इंतफा एक्सप्लॉयटेशन की बुनियाद है और इस्लाम पहली जर्ब इसी पर लगाता है। वो हांके पुकारे कहता है कि ला तुतीउ अम्र अल मुसरिफीन الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون। इन लोगों का हुक्म हरगिज न मानो जो अपनी जायज हद से गुजर गए हैं और जमीन में फसाद फैलाते हैं और इस्लाह नहीं करते। لا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا। इस शख्स की इताअत हरगिज न कर जिसके दिल को हमने अपनी याद से गाफिल कर दिया है
और जो अपनी ख्वाहिशात नफ्स का बंदा बन गया है और जिसका काम इफरात व तफरीत पर मबनी है। अला लानतुल्लाह अला ज़ालिमीन الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا। खुदा की लानत उन जालिमों पर जो खुदा के बनाए हुए जिंदगी के सीधे साधे रास्ते में रुकावटें डालते हैं और इसको टेढ़ा करना चाहते हैं। वो लोगों से पूछता है कि अरबाब मुतफर्रिकून खैर अम अल्लाह अल वाहिद अल कहार। बहुत से छोटे बड़े खुदा जिनकी बंदगी में तुम पिसे जा रहे हो, इनकी बंदगी कबूल है या सिर्फ एक खुदा की जो सबसे जबरदस्त है? अगर इस खुदाए वाहिद की बंदगी कबूल न करोगे तो इन छोटे और झूठे खुदाओं की आकाई से तुम्हें कभी नजात न मिल सकेगी। ये किसी न किसी तौर पर तुम पर तसल्लुत पाएंगे और फसाद बर्पा करके ही रहेंगे। इन्नल मुलूक इज़ा दखलु क़रियतन अफसदूहा वजअलु अइज़्ज़त अहलिहा अदिल्ला वकदालिक यफ़अलून। ये बादशाह जब किसी बस्ती में घुसते हैं तो इसके निजाम हयात को तहोबाला कर डालते हैं और इसकी इज्जत वालों को जलील कर देते हैं और इनका यही वतीरा है। वइज़ा तवल्ला सआ फिल अर्दि लियुफ्सिद फीहा वयुहलिकल हर्स वन्नस्ल वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद। और जब वो इख्तदार पा लेता है तो जमीन में फसाद फैलाता है, खेतों को खराब और नस्लों को तबाह करता है और अल्लाह फसाद को पसंद नहीं करता। यहां पूरी तफसील का मौका नहीं, मुख्तसर मैं ये बात आपके ज़हन नशीन करना चाहता हूँ कि इस्लाम की दावत तौहीद व खुदा परस्ती महज इस माना में एक मजहबी अकीदे की दावत न थी जिसमें आम तौर पर मजहबी अकायद की दावत हुआ करती है, बल्कि हकीकत में ये एक इज्तमाई इनकलाब सोशल रेवोल्यूशन की दावत थी। इसकी ज़र्ब बिला वास्ता उन तबकों पर पड़ती थी जिन्होंने मजहबी रंग में पुरोहित बनकर या सियासी रंग में बादशाह और रईस और हुक्मरान बनकर या मुआशी रंग में महाजन और जिम्मेदार और इजारादार बनकर आम्मतुन नास को अपना बंदा बना लिया था। ये कहीं आलानिया अरबाब मिन दूनिल्लाह बने हुए थे, दुनिया से अपनी पैदायशी या तबकाती हुकूक की बिना पर इताअत व बंदगी का मुतालबा करते थे और साफ कहते थे कि मा अलिमतु लकुम मिन इलाहिन गैरी, मैं अपने सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं जानता। अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। अना उहयी व उमीद, मैं जिंदा करता हूँ और मारता हूँ। मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, हमसे बढ़कर ताकतवर कौन है? और किसी जगह उन्होंने आम्मतुन्नास की जहालत को इस्तेमाल एक्सप्लॉइट करने के लिए बुतों और हैकलों की शक्ल में मस्नूई खुदा बना रखे थे जिनकी आड़ पकड़कर ये अपने खुदावंदी हुकूक बंदगाने खुदा से तस्लीम कराते थे। बस कुफ्र व शिर्क और बुतपरस्ती के खिलाफ इस्लाम की दावत और खुदाए वाहिद की बंदगी और उबूदियत के लिए इस्लाम की तबलीग बराह रास्त हुकूमत और इसको सहारा देने वाले या इसके सहारे चलने वाले तबकों की अगराज से मुतसादिम होती थी। इसी वजह से जब कभी किसी नबी ने या कौम अबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु की सदा बुलंद की, हुकूमत वक्त फौरन इसके मुकाबले में आन खड़ी हुई और तमाम नाजायज इंतफा करने वाले तबके इसकी मुखालिफत पर कमर बस्ता हो गए, क्योंकि ये महज एक माबादु तबीई कजिया मेटाफिजिकल प्रोपोजिशन का बयान न था बल्कि एक इज्तमाई इनकलाब का ऐलान था और इसमें पहली आवाज़ सुनते ही सियासी शोरिश की बू सूंघ ली जाती थी। इस्लामी दावत इनकलाब की खसूसियत, इसमें शक नहीं कि अम्बिया अलैहिस्सलाम सब के सब इनकलाबी लीडर थे और सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़े इनकलाबी लीडर हैं, लेकिन जो चीज़ दुनिया की आम इनकलाबियों और इन खुदा परस्त इनकलाबी लीडरों के दरमियान वाज़ेह ख़त इम्तियाज खींचती है वो ये है कि दूसरे इनकलाबी लोग खा कितने ही नेक नीयत क्यों ना हों, अदल और तवस्सुत के सही मकाम को नहीं पा सकते। वो या तो खुद मजलूम तबकों में से उठते हैं या उनकी हिमायत का जज्बा लेकर उठते हैं और फिर सारे मामलात को इन्हीं तबकों के नुक्ते नज़र से देखते हैं। इसका कुदरती नतीजा ये होता है कि उनकी नज़र गैर जानिबदाराना और खालिस इंसानियत की नज़र नहीं होती बल्कि एक तबके की तरफ हिमायत का जज्बा लिए हुए होती है। वो जुल्म का ऐसा इलाज सोचते हैं जो नतीजतन एक जवाबी जुल्म होता है। इनके लिए इंतकाम, हसद और अदावत के जज्बात से पाक होकर एक ऐसा मोतदिल और मुतवाजन इज्तमाई निज़ाम तजवीज़ करना मुमकिन नहीं होता
जिसमें मजमुई तौर पर तमाम इंसानों की फलाह हो। बखिलाफ इसके अंबिया अलैहिस्सलाम खा कितने ही सताए गए हों और खा कितना ही उन पर और उनके साथियों पर जुल्म किया गया हो, उनकी इनकलाबी तहरीक ने कभी इनके शख्सी जज्बात का असर नहीं पाया। वो बराह रास्त खुदा की हिदायत के तहत काम करते थे और खुदा चूंकि इंसानी जज्बात से मुनज़्ज़ा है, किसी इंसानी तबके से इसका मखसूस रिश्ता नहीं, न किसी दूसरे इंसानी तबके से इसको कोई शिकायत या अदावत है। इसलिए खुदा की हिदायत के तहत अंबिया अलैहिस्सलाम तमाम मामलात को बेलाग इंसाफ के साथ इस नज़र से देखते थे कि तमाम इंसानों की मजमुई फलाह व बहबूद किस चीज़ में है, किस तरह एक ऐसा निज़ाम बनाया जाए जिसमें हर शख्स अपनी जायज़ हदूद के अंदर रह सके, अपने जायज़ हुकूक से मुतमत्ते हो सके और अफराद की बाहमी रवाबित नीज फर्द और जमात के बाहमी ताल्लुक में कामिल तवाज़ुन कायम हो सके। यही वजह है कि अंबिया अलैहिस्सलाम की इनकलाबी तहरीक कभी तबकाती निज़ा क्लास वार में तब्दील न होने पाई। तामीर नो सोशल रिकन्स्ट्रक्शन इस तर्ज पर नहीं हुई कि एक तबके को दूसरे तबके पर मुसल्लत कर दें, बल्कि इसके लिए अदल का ऐसा तरीका इख्तियार किया जिसमें तमाम इंसानों के लिए तरक्की और मादी और रूहानी सआदत के यकसा इम्कानात रखे गए थे। जिहाद की ज़रूरत और उसकी गायत। इस मुख्तसर मकाले में मेरे लिए उस इज्तिमाई निज़ाम सोशल ऑर्डर की तफसीलात पेश करना मुश्किल है जो इस्लाम ने तजवीज़ किया है। तफसील का मौका इंशाअल्लाह अनकरीब आएगा। यहाँ अपने मौजू की हद में रहते हुए जिस बात को मुझे वाजे करना था वो सिर्फ ये थी कि इस्लाम महज एक मजहबी अकीदा और चंद इबादात का मजमुआ नहीं है, बल्कि वो एक सिस्टम है जो दुनिया से ज़िंदगी के तमाम ज़ालिमाना और मुफसिदाना निज़ामात को मिटाना चाहता है और इनकी जगह अपना एक इस्लाही प्रोग्राम नाफिज करना चाहता है जिसको वो इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए सबसे बेहतर समझता है। इस तखरीब व तामीर और इनकलाब व इस्लाह के लिए वो किसी एक कौम या गिरोह को नहीं बल्कि तमाम इंसानों को दावत देता है। वो खुद इन जालिम तबकों और नाजायज़ इंतफा करने वाले गिरोहों, हत्ता के बादशाहों और रईसों को भी पुकारता है कि आओ इस जायज़ हद के अंदर रहना कबूल कर लो जो तुम्हारे खालिक ने तुम्हारे लिए मुकर्रर की है। अगर तुम अदल और हक के निज़ाम को कबूल कर लोगे तो तुम्हारे लिए अमन व सलामती है। यहाँ किसी इंसान से दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी जो कुछ भी है जुल्म से है, फसाद से है, बदअखलाकी से है, इस बात से है कि कोई शख्स अपनी फितरी हद से तजावुज़ करके वो कुछ हासिल करना चाहे जो फितरतुल्लाह के लिहाज से उसका नहीं है। ये दावत जो लोग भी कबूल कर लें, वो खा किसी तबके, किसी नस्ल, किसी कौम और किसी मुल्क के हों, यकसा हुकूक और मुसावियाना हैसियत से इस्लामी जमात के रुकन बन जाते हैं और इस तरह वो बैनुल अक्वामी इनकलाबी पार्टी तैयार हो जाती है जिसे कुरान हिजबुल्लाह के नाम से याद करता है और जिसका दूसरा नाम इस्लामी जमात या उम्मते मुस्लिमा है। ये पार्टी वजूद में आती ही अपने मकसद वजूद की तहसील के लिए जिहाद शुरू कर देती है। इसके ऐन वजूद का इक्तज़ा यही है कि ये गैर इस्लामी निज़ाम की हुक्मरानी को मिटाने की कोशिश करे और इसके मुकाबले में तमद्दुन व इज्तिमा के उस मोतदिल व मुतवाज़िन ज़ाब्ता की हुकूमत कायम करे जिसे कुरान एक जामे लफ्ज़ कलिमतुल्लाह से ताबीर करता है। अगर ये पार्टी हुकूमत को बदलने और इस्लामी निज़ाम हुकूमत कायम करने की कोशिश न करे तो इसके वजूद में आने का मकसद ही फौत हो जाता है, क्योंकि ये किसी और मकसद के लिए बनाई ही नहीं गई और इस जिहाद के सिवा इसकी हस्ती का और कोई मसरफ ही नहीं है। कुरान इसकी पैदाइश का एक ही मकसद बयान करता है और वो ये है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिलमारूफ वतनहून अनिल मुनकर वतुमिनून बिल्लाह। तुम वो बेहतरीन उम्मत हो जिसे नौ इंसानी के लिए निकाला गया है। तुम नेकी का हुक्म देते हो, बदी से रोकते हो और खुदा पर ईमान रखते हो। ये मजहबी तबलीग करने वाले वाइजीन, प्रीचर्स और मुबशरीन मिशनरीज की जमात नहीं है, बल्कि खुदाई फौजदारों की जमात है। लितकूनू शुहदा अलन्नास, और इसका काम यह है कि दुनिया से जुल्म, फितना, फसाद, बदअखलाकी, तुगयानी और नाजायज़ इंतफा को बजोर मिटा दे
ارباب من دون اللہ کی خداوندی کو ختم کر دے، بدی کی جگہ نیکی قائم کرے۔ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین للہ، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور اطاعت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے۔ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، اگر تم ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ ہوگا اور بڑا فساد برپا رہے گا۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وہ خدا ہی ہے جس نے اپنے رسول کو دنیا میں زندگی بسر کرنے کا سیدھا راستہ اور حق کی اطاعت کا صحیح ضابطہ دے کر بھیجا ہے، تاکہ تمام اطاعتوں کو مٹا کر اسی ایک اطاعت کو سب پر غالب کر دے، خواہ وہ لوگ اس پر راضی نہ ہوں جو خداوندی میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ لہٰذا اس پارٹی کے لیے حکومت کے اقتدار پر قبضہ کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، کیونکہ مفسدانہ نظام تمدن ایک فاسد حکومت کے بل پر قائم ہوتا ہے، اور ایک صالح نظام تمدن اس وقت تک کسی طرح قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ حکومت مفسدین سے مصلوب ہو کر مصلحین کے ہاتھ میں نہ آ جائے۔ دنیا کی اصلاح سے قطع نظر اس جماعت کے لیے خود اپنے مسلک پر عامل ہونا بھی غیر ممکن ہے اگر حکومت کے نظام کسی دوسرے مسلک پر قائم ہو۔ کوئی پارٹی جو کسی سسٹم کو برحق سمجھتی ہو، کسی دوسرے سسٹم کی حکومت میں اپنے مسلک کے مطابق زندگی بسر نہیں کر سکتی۔ ایک اشتراکی مسلک کا آدمی اگر انگلستان یا امریکہ میں رہ کر اشتراکیت کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہے تو کسی طرح اپنے اس ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ سرمایہ دارانہ نظام کا ضابطہ حیات حکومت کی طاقت سے بجبر اس پر مسلط ہوگا اور وہ اس کی قہرمانی سے کسی طرح بچ نہ سکے گا۔ اسی طور پر ایک مسلمان بھی اگر کسی غیر اسلامی نظام حکومت میں رہ کر اسلامی اصول پر زندگی بسر کرنا چاہے تو اس کا کامیاب ہونا محال ہے۔ جن قوانین کو وہ باطل سمجھتا ہے، جن ٹیکسوں کو وہ حرام سمجھتا ہے، جن معاملات کو وہ ناجائز سمجھتا ہے، جس تہذیب اور جس طرز زندگی کو وہ فاسد سمجھتا ہے، جس طریقے تعلیم کو وہ مہلک سمجھتا ہے، وہ سب کے سب اس پر، اس کے گھر بار پر، اس کی اولاد پر اس طرح مسلط ہو جائیں گے کہ وہ کسی طرح ان کی گرفت سے بچ کر نہ نکل سکے گا۔ لہذا جو شخص یا گروہ کسی مسلک پر اعتقاد رکھتا ہو، وہ اپنے اعتقاد کے فطری اقتضا ہی سے اس امر پر مجبور ہوتا ہے کہ مسلک مخالف کی حکومت کو ہٹانے اور اپنے مسلک کی حکومت قائم کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ مخالف نظریے کی حکومت مسلط ہو تو اس صورت میں وہ خود اپنے مسلک پر عمل نہیں کر سکتا۔ اگر وہ اس کوشش سے غفلت برتتا ہے تو اس کا صریح مطلب یہ ہے کہ وہ در حقیقت اپنے ہی عقائد میں جھوٹا ہے۔ عف اللہ عنک لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر۔ اے نبی، خدا تمہیں معاف کرے، تم نے ان لوگوں کو جہاد کی شرکت سے علیحدہ رہنے کی اجازت کیوں دے دی؟ تمہیں اجازت نہ دینی چاہیے تھی، تاکہ یہ بات تم پر کھل جاتی کہ اپنے ایمان میں سچے کون ہیں اور جھوٹے کون۔ جو لوگ اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں، وہ تو کبھی تم سے یہ درخواست نہیں کر سکتے کہ انہیں اپنے مال اور جان کے ساتھ جہاد کرنے سے معذور رکھا جائے۔ ایسی درخواست تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو نہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ یوم آخرت پر۔ ان الفاظ میں قرآن نے صاف اور صریح فتویٰ دے دیا ہے کہ اپنے اعتقاد کنوکشن میں کسی جماعت کے صادق ہونے کا واحد معیار یہی ہے کہ وہ جس مسلک پر اعتقاد رکھتی ہو اس کو حکمران بنانے کے لیے جان و مال سے جہاد کرے۔ اگر تم مسلک مخالف کی حکومت کو گوارا کرتے ہو تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم اپنے اعتقاد میں جھوٹے ہو، اور اس کا فطری نتیجہ یہی ہے اور یہی ہو سکتا ہے کہ آخر کار اسلام کے مسلک پر تمہارا نام نہاد عقیدہ بھی باقی نہ رہے گا۔ ابتدا میں تم مسلک مخالف کی حکومت کو بکراہت گوارا کرو گے، پھر رفتہ رفتہ تمہارے دل اس سے مانوس ہوتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ کراہت رغبت سے بدل جائے گی
और आखिर में नौबत इस हद तक पहुंचेगी कि मसलक मुखालिफ की हुकूमत कायम होने और कायम रहने में तुम खुद मददगार बनोगे। अपनी जानो माल से जिहाद इसलिए करोगे कि मसलक इस्लाम के बजाय मसलक गैर इस्लाम कायम हो या कायम रहे। तुम्हारी अपनी ताकतें मसलक इस्लाम के क्याम की मुजाहमत में सर्फ होने लगेंगी और यहां पहुंचकर तुम में और काफिरों में इस्लाम के मुनाफिकाना दावा, एक बदतरीन झूठ, एक पुरफरेब नाम के सिवा कोई फर्क ना रहेगा। हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नतीजे को साफ साफ बयान फरमा दिया है, वल्लदी नफ्सी बियदिही लतअमुरुन बिल मारूफ वलतनहुन अनिल मुनकर ولتأخذن يد المسيء ولتطرنه على الحق إطراء أو لنضربن الله قلوب بعضكم على بعض أو ليلعنكم كما لعنهم। उस खुदा की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, या तो तुम्हें नेकी का हुक्म देना और बदी से रोकना और बदकार का हाथ पकड़ना और उसे हक की तरफ बजोर मोड़ना होगा, या फिर अल्लाह के कानून फितरत का ये नतीजा जाहिर होकर रहेगा कि बदकारों के दिलों का असर तुम्हारे दिलों पर भी पड़ जाए और इनकी तरह तुम भी मलून होकर रहो। आलमगीर इनकलाब। इस बहस से आप पर यह बात वाजे हो गई होगी कि इस्लामी जिहाद का मकसूद ऑब्जेक्टिव गैर इस्लामी निज़ाम की हुकूमत को मिटाकर इस्लामी हुकूमत कायम करना है। इस्लाम यह इनकलाब सिर्फ एक मुल्क या चंद मुल्कों में नहीं बल्कि तमाम दुनिया में बर्पा करना चाहता है। अगरचे इब्तिदा मुस्लिम पार्टी के अरकान का फर्ज यही है कि जहां जहां वो रहते हों वहां के निजाम हुकूमत में इनकलाब बर्पा करें, लेकिन उनकी आखिरी मंजिल मकसूद एक आलमगीर इनकलाब वर्ल्ड रेवोल्यूशन के सिवा कुछ नहीं है। कोई इनकलाबी मसलक जो कौमियत के बजाय इंसानियत की फलाह के उसूल लेकर उठा हो अपने इनकलाबी मतमई नजर को कभी एक मुल्क या एक कौम के दायरे में महदूद नहीं कर सकता, बल्कि वो अपनी फितरत के ऐन इक्तज़ा ही से मजबूर है कि आलमगीर इनकलाब को अपना मतमई नजर बनाए। हक जुग्राफी हदूद को कबूल करने से इनकार करता है। इसका मुतालबा यह है कि मैं अगर किसी पहाड़ या दरिया के उस पार हक हूं तो इस पार भी हक हूं। नौ इंसानी के किसी हिस्से को भी मुझसे महरूम न रहना चाहिए। इंसान जहां भी जुल्म सितम का और इफरात व तफरीत का तख्ता मश्क बना हुआ है वहां उसकी मदद के लिए पहुंचना मेरा फर्ज है। इसी तखय्युल को कुरान इन अल्फाज में बयान करता है, वमा लकुम ला तुकातिलून फी सबीलिल्लाह वल्मुस्तदअफीन मिनर रिजाल वन्निसा वल्विलदान अल्लदीन यकूलून रब्बना अखरिजना मिन हादिहिल क़रियतिल ज़ालिम अहलुहा। तुम्हें क्या हो गया है कि तुम खुदा की राह में उन मर्दों, औरतों और बच्चों के लिए नहीं लड़ते जिन्हें कमजोर पाकर दबा लिया गया है और जो दुआएं मांगते हैं कि खुदाया हमें इस बस्ती से निकाल जिसके कारफरमा जालिम है। अलावा बनी कौमी और मुल्की तकसीमात के बावजूद इंसानी ताल्लुकात और वाबित कुछ ऐसी आलमगीरी अपने अंदर रखते हैं कि कोई एक ममलकत अपने उसूल व मसलक के मुताबिक पूरी तरह अमल नहीं कर सकती जब तक कि हमसाया ममालिक में भी वही उसूल व मसलक राइज न हो जाए। लिहाजा मुस्लिम पार्टी के लिए इस्लाह उमूमी और तहफ्फुज़ खुदी दोनों की खातिर ये नागुजीर है कि किसी एक खित्ते में इस्लामी निज़ाम की हुकूमत कायम करने पर इक्तफा न करे, बल्कि जहां तक उसकी कुव्वतें साथ दें इस निज़ाम को तमाम अतराफ में वसी करने की कोशिश करे और एक तरफ से अपने अफकार व नजरियात को दुनिया में फैलाएगी और तमाम ममालिक के बाशिंदों को दावत देगी कि इस मसलक को कबूल करें जिसमें उनके लिए हकीकी फलाह मुजमर है। दूसरी तरफ अगर इसमें ताकत होगी तो वो लड़कर गैर इस्लामी हुकूमतों को मिटा देगी और इनकी जगह इस्लामी हुकूमत कायम करेगी। यही पॉलिसी थी जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आपके बाद खुलफाए राशिदीन ने अमल किया। अरब जहां मुस्लिम पार्टी पैदा हुई थी सबसे पहले इसी को इस्लामी हुकूमत के ज़ेरे नकी किया गया। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अतराफ के ममालिक को अपने उसूल व मसलक की तरफ दावत दी। फिर जब उन्होंने वाज़ह तौर पर इनकार कर दिया तो उनके खिलाफ जंगी कार्रवाई का तहिया कर लिया।
غزوہ تبوک اسی سلسلے کی ابتدا تھی۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پارٹی کے لیڈر ہوئے تو انہوں نے روم اور ایران دونوں کی غیر اسلامی حکومتوں پر حملہ کیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس حملے کو کامیابی کے آخری مراحل تک پہنچا دیا۔ مصر و شام اور روم و ایران کے عوام اول اول اس کو عرب قوم کی امپیریلسٹ پالیسی سمجھتے۔ انہوں نے خیال کیا کہ جس طرح پہلے ایک قوم دوسری قوم کو غلام بنانے کے لیے نکلا کرتی تھی، اسی طرح اب بھی ایک قوم اسی غرض کے لیے نکلی ہے۔ اس غلط فہمی کی بنا پر لوگ قیصر و کسرا کے جھنڈے تلے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے نکلے، مگر جب ان پر مسلم پارٹی کے انقلابی مسلک کا حال کھلا اور جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ جفاکارانہ قوم پرستی اگریسو نیشنلزم کے علم بردار نہیں ہیں بلکہ قومی اغراض سے پاک ہیں اور محض ایک عادلانہ نظام قائم کرنے آئے ہیں اور ان کا مقصد در حقیقت ان ظالم طبقوں کی خداوندی کو ختم کرنا ہے جو قیصریت و کسرویت کی پناہ میں ہم کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، تو ان کی اخلاقی ہمدردیاں مسلم پارٹی کی طرف ہو گئیں۔ وہ قیصر و کسرا کے جھنڈے سے الگ ہوتے چلے گئے اور اگر مارے باندھے فوج میں بھرتی ہو کر لڑنے آئے بھی تو بے دلی سے لڑے۔ یہی سبب ہے کہ ان حیرت انگیز فتوحات کا جو ابتدائی دور میں مسلمانوں کو حاصل ہوئیں، اور یہی سبب ہے اس کا کہ اسلامی حکومت قائم ہونے کے بعد جب ان ممالک کے باشندوں نے اسلامی نظام اجتماعی کو عملاً کام کرتے ہوئے دیکھا تو وہ خود اس بین الاقوامی پارٹی میں شریک ہوتے چلے گئے اور خود اس مسلک کے علم بردار بن کر آگے بڑھے تاکہ دوسرے ملکوں میں بھی اس کو پھیلا دے۔ جارحانہ اور مدافعانہ کی تقسیم غیر متعلق ہے۔ یہ جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس پر جب آپ غور کریں گے تو یہ بات بآسانی آپ کی سمجھ میں آ جائے گی کہ جنگ کی جو تقسیم جارحانہ، اگریسو اور مدافعانہ، ڈیفینسو کی اصطلاحوں میں کی گئی ہے، اس کا اطلاق سرے سے اسلامی جہاد پر ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ تقسیم صرف قومی اور ملک کی لڑائیوں پر ہی منطبق ہو سکتی ہے، کیونکہ اصطلاحاً حملہ اور مدافعت کے الفاظ ایک ملک یا ایک قوم کی نسبت ہی سے بولے جا سکتے ہیں، مگر جب ایک بین الاقوامی پارٹی ایک جہانی نظریہ و مسلک کو لے کر اٹھے اور تمام قوموں کو انسانی حیثیت سے اس مسلک کی طرف بلائے اور ہر قوم کے آدمیوں کو مساویانہ حیثیت سے پارٹی میں شامل کرے اور محض مسلک مخالف کی حکومت کو مٹا کر اپنے مسلک کی حکومت قائم کرنے کے لیے جدوجہد نہ کرے، تو ایسی حالت میں اصطلاحی حملہ اور اصطلاحی مدافعات کا قطعاً کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بلکہ اگر اصطلاح سے قطع نظر کر لی جائے تو تب بھی اسلامی جہاد پر جارحانہ اور مدافعانہ کی تقسیم منطبق نہیں ہوتی۔ اسلامی جہاد بیک وقت جارحانہ بھی ہے اور مدافعانہ بھی۔ جارحانہ اس لیے کہ مسلم پارٹی مسلک مخالف کی حکمرانی پر حملہ کرتی ہے، اور مدافعانہ اس لیے کہ خود اپنے مسلک پر عامل ہونے کے لیے حکومت کی طاقت حاصل کرنے پر مجبور ہے۔ پارٹی ہونے کی حیثیت سے اس کا کوئی گھر نہیں ہے کہ وہ اس کی مدافعت کرے، اس کے پاس محض اپنے اصول ہیں جن کی وہ حمایت کرتی ہے۔ اسی طرح مخالف پارٹی کے بھی گھر پر وہ حملہ نہیں کرتی بلکہ اس کے اصولوں پر حملہ کرتی ہے، اور اس حملہ کا مدعا یہ نہیں ہے کہ اس سے زبردستی اس کے اصول چھڑائے جائیں، بلکہ مدعا صرف یہ ہے کہ اس کے اصولوں سے حکومت کی طاقت چھین لی جائے۔ ذمیوں کی حیثیت، یہیں سے یہ سوال بھی حل ہو جاتا ہے کہ کسی ملک پر اسلامی نظام کی حکومت قائم ہو جانے کی صورت میں ان لوگوں کی کیا حیثیت ہوگی جو کسی دوسرے عقیدہ و مسلک کے متبع ہوں۔ اسلام کے جہاد لوگوں کے عقیدہ و مسلک اور ان کے طریقے عبادت یا قوانین معاشرے سے تعرض نہیں کرتا، وہ ان کو پوری آزادی دیتا ہے کہ جس عقیدہ پر چاہیں قائم رہیں اور جس مسلک پر چاہیں چلیں، البتہ وہ ان کے اس حق کو تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہے کہ ان کی خاطر کسی ایسے طریقے پر حکومت کا نظام چلایا جائے جو اسلام کی نگاہ میں فاسد ہے۔ نیز وہ ان کے اس حق کو بھی نہیں مانتا کہ وہ معاملات کے ان طریقوں کو اسلامی نظام حکومت میں جاری رکھیں جو اسلام کے نزدیک اجتماعی فلاح کے لیے مہلک ہیں۔ مثلا وہ حکومت کا نظام ہاتھ میں لیتے ہوئے سودی کاروبار کی تمام صورتوں کو مسدود کر دے گا، جوئے کی ہرگز اجازت نہ دے گا، خرید و فروخت اور مالی لین دین کی ان تمام شکلوں کو روک دے گا
जो इस्लामी कानून में हराम है। काहबा खानों और फवाहिश के अड्डों को कुल्लियतन बंद कर देगा। गैर मुस्लिम औरतों को सतर के कम से कम हदूद की पाबंदी पर मजबूर करेगा और उन्हें तबर्रुज जाहिलियत के साथ फिरने से रोक देगा। सिनेमा पर एहतसाब कायम करेगा। इस किस्म के और बहुत से उमूर हैं जिनमें एक इस्लामी निजामी हुकूमत न सिर्फ इज्तमाई फलाह बहबूद की खातिर बल्कि खुद अपने तहफ्फुज़ सेल्फ डिफेंस की खातिर भी उन तमद्दुनी मामलात की इजाजत न देगा जो गैर मुस्लिमों के मसलक में चाहे जायज होंगे मगर इस्लाम की निगाह में मूजिब फसाद व हिलाकत है। इस बाब में अगर कोई शख्स इस्लाम पर नारवादारी का इल्जाम आयद करे तो उसे देखना चाहिए कि दुनिया के किसी मसलक ने भी दूसरे मसलक वालों के साथ इतनी रवादारी नहीं बरती जितनी इस्लाम बरतता है। दूसरी जगह तो आप देखेंगे कि गैर मसलक वालों के लिए जिंदगी दोभर कर दी जाती है, हत्ता कि वो वतन छोड़कर निकल जाने पर मजबूर होते हैं, लेकिन इस्लाम गैर मसलक वालों को पूरे अमन के साथ हर किस्म की तरक्की करने का मौका देता है और इनके साथ ऐसी फयाजी का बर्ताव करता है जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। इंपीरियलिज्म का शुबा, यहां पहुंचकर मुझे भी इस बात का यादा करना चाहिए कि इस्लाम की नजर में जिहाद सिर्फ वही है जो महज फी सबीलिल्लाह हो और इस जिहाद के नतीजे में जब इस्लामी हुकूमत कायम हो तो मुसलमानों के लिए यह हरगिज जायज नहीं है कि वो कैसरो किसरा को हटाकर खुद कैसरो किसरा बन जाए। मुसलमान इसलिए नहीं लड़ता और मुसलमान होने की हैसियत से नहीं लड़ सकता कि उसकी जाती हुकूमत कायम हो जाए और वो खुदा के बंदों को अपना बंदा बना ले और नाजायज तौर पर लोगों की गाड़ी मेहनतों को रुपया वसूल करके अपने लिए जमीन पर जन्नतें बनाने लगे। ये जिहाद फी सबीलिल्लाह नहीं बल्कि जिहाद फी सबीलित तागूत है और ऐसी हुकूमत को इस्लाम से कोई वास्ता नहीं। इस्लाम का जिहाद तो एक खुश्क और बेमज़द मेहनत है जिसमें जान माल और ख्वाहिशात नफ्स की कुर्बानी के सिवा और कुछ नहीं है। अगर यह जिहाद कामयाब हुआ और नतीजे में हुकूमत मिल जाए तो सच्चे मुसलमान हुक्मरान पर जिम्मेदारियों का इस कदर भारी बोझ आयद हो जाता है कि इस गरीब के लिए तो रातों की नींद और दिन की आसाइश तक हराम हो जाती है, मगर इसके मुआवजे में वो हुकूमत और इख्तदार की उन लज्जतों से कोई लज्जत हासिल नहीं कर सकता जिनकी खातिर दुनिया में उमूमन हुकूमत हासिल करने की कोशिश की जाती है। इस्लाम का फरमा रवा न तो रईयत के आम अफराद से मुमताज कोई बालातर हस्ती है, न अजमत और रिफात के तख्त पर वो बैठ सकता है, न अपने आगे किसी से गर्दन झुकवा सकता है, न कानून शरीयत के खिलाफ एक पत्ता हिला सकता है, न उसे इख्तियार हासिल है कि अपने किसी अजीज या दोस्त या खुद अपनी जात को किसी अदना से अदना हस्ती के जायज मुतालबा से बचा सके, न वो हक के खिलाफ एक हप्पा ले सकता है और न एक चप्पा भर जमीन पर कब्जा कर सकता है। एक मुतवस्सित दर्जे के मुसलमान को जिंदगी बसर करने के लिए जितनी तनख्वाह काफी हो सकती है इससे ज्यादा बैतुल माल से एक पाई लेना भी उसके लिए हराम है। वो गरीब न आलीशान कसर बनवा सकता है, न खदम व हशम रख सकता है, न ऐश व इशरत के सामान फराहम कर सकता है। इस पर हर वक्त ये खौफ गालिब रहता है कि एक दिन इसके अमाल का सख्त हिसाब लिया जाएगा और अगर हराम का एक पैसा, जबर से ली हुई जमीन का एक चप्पा, तकब्बुर और फिरौनियत का एक शम्मा, जुल्म और बेइंसाफी का एक धब्बा और ख्वाहिशात नफसानी की बंदगी का एक शायबा भी उसके हिसाब में निकल आया तो उसे सख्त सजा भुगतनी पड़ेगी। अगर कोई शख्स हकीकत में दुनिया का लालची हो तो इससे बड़ा कोई बेवकूफ न होगा अगर वो इस्लामी कानून के मुताबिक हुकूमत का बार संभालने पर आमादा हो, क्योंकि इस्लामी हुकूमत के फरमा रवा से तो बाजार के एक मामूली दुकानदार की पोजीशन ज्यादा अच्छी होती है। वो तो खलीफा से ज्यादा कमाता है और रात को पांव फैला कर सोता है। खलीफा बेचारे को न इनके बराबर आमदनी नसीब और न रात को चैन से सोना नसीब। ये बुनियादी फर्क है इस्लामी हुकूमत और गैर इस्लामी हुकूमत का। गैर इस्लामी हुकूमत में हुक्मरान गिरोह अपनी खुदाबंदी कायम करता है और अपनी जात के लिए मुल्क के वसाइल और ज़राए इस्तेमाल करता है। बखिलाफ इसके इस्लामी हुकूमत में हुक्मरान गिरोह मुजर्रद खिदमत करता है और आम बाशिंदों से बढ़कर अपनी जात के लिए कुछ हासिल करना नहीं चाहता। इस्लामी हुकूमत की सिविल सर्विस को जो तनख्वाहें मिलती थी इनका तकाबुल आजकल
या खुद इस दौर की इंपीरियलिस्ट ताकतों के सिविल सर्विस के मुशायरों से करके देखिए, आपको मालूम हो जाएगा कि इस्लाम की जहां कुशाई और इंपीरियलिज्म की आलमगीरी में रूही और जौहरी फर्क है। इस्लामी हुकूमत में खुरासान, इराक, शाम और मिस्र के गवर्नरों की तनख्वाहें आपके मामूली इंस्पेक्टरों की तनख्वाहों से भी कम थी। खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु की तनख्वाह 150 रुपए से ज्यादा न थी। दराहाल्ला के बैतुल माल दुनिया के दो अजीमुशान सल्तनतों के खजानों से भरपूर हो रहा था। अगरचे जाहिर में इंपीरियलिज्म भी मुल्क फतह करना है और इस्लाम भी, मगर दोनों के जौहर में जमीन और आसमान का फर्क है। परवाज है दोनों की इसी एक फजा में, करगस का जहां और है, शाही का जहां और। यह है इस जिहाद की हकीकत जिसके मुतालिक आप बहुत कुछ सुनते रहे हैं। अब अगर आप मुझसे दरियाफ्त करें कि आज इस्लाम और मुस्लिम जमात और जिहाद का वो तसव्वुर जो तुम पेश कर रहे हो कहां गायब हो गया और क्यों दुनिया भर के मुसलमानों में कहीं भी उसका शायबा तक नहीं पाया जाता, तो मैं अर्ज करूंगा कि ये सवाल मुझसे न कीजिए, बल्कि उन लोगों से कीजिए जिन्होंने मुसलमानों की तवज्जो उनकी असल मिशन से हटाकर तावीज गंडों और अमलियात और मुराकबों और रियाजतों की तरफ फेर दी है, जिन्होंने नजात और फलाह और हुसूल मकासिद के लिए शॉर्टकट तजवीज किए ताकि मुजाहिदे और जानफिशानी के बगैर सब कुछ तस्बीह फिराने या किसी साहिब कब्र की इनायात हासिल करने ही से मुयस्सर आ जाए, जिन्होंने इस्लाम की कुल्लियात और उसूल मकासिद को लपेट कर तारीख गोशों में फेंक दिया और मुसलमानों के जहन को आमीन बिल जहर और रफुल यदैन और ईसाल सवाब व ज़ियारत कबूर और इसी किस्म की बेशुमार जुज़ियात की बहसों में ऐसा फंसाया कि वो अपने आप को और अपने मकसद तख्लीक को और इस्लाम की हकीकत को कतई भूल गए। अगर इससे भी आपकी तशफ़ी न हो तो फिर ये सवाल उन उमरा और अहकामों अस्हाब इख्तदार के सामने पेश कीजिए जो कुरान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का दावा तो करते हैं मगर कुरान के कानून और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत का इससे ज्यादा कोई हक अपने ऊपर तस्लीम नहीं करते कि कभी खत्म कुरान करा दें और कभी ईद मिलाद के जलसे करा दें। रहा इस कानून और हिदायत का अमल नाफिज करना, तो ये हजरात अपने आप को इससे बरी जिम्मा समझते हैं क्योंकि दरहकीकत इनका नफ्स इन पाबंदियों को कबूल करने और इन जिम्मेदारियों का बोझ संभालने के लिए हरगिज तैयार नहीं है जो इस्लाम उन पर आयद करता है। ये बड़ी सस्ती नजात के तालिब है।